नमस्कार बच्चों, आइए हम इस वीडियो में रैशनलाइजेशन जो यूनिट है उसका आखिरी क्वेश्चन हम सीखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, हालांकि ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को ज़्यादातर पूछा जाता है। आइए देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं आपको कैमरे की सहायता से आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक में लिखा हुआ है, प्रूव दैट 1 √8 √7 + 1 √7 - √6 - 1 √6 - √5 + 1 √6 - √5 + 1 √5 - 2 = 5। हमें इसको सोल्व करना है, इस नंबर को सोल्व करना है और ये 5 के इक्वल आना चाहिए। हम इसको सोल्व करेंगे और बिल्कुल बच्चों, वैसे तो देखा जाए आपने, आप समझ ही गए होंगे कि इसमें मैंने कई नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स लिखे हैं। तो बच्चों, जैसे हमने पहले किया था ठीक उसी तरीके से हम इसको सोल्व करने वाले हैं, अलग अलग नंबर का रैशनलाइज करने वाले हैं, हम इनको इकट्ठा ही करेंगे। देखिए बच्चों, हम इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। यहाँ सर देखिए, 1 √3 - √8, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिखूँगा अब, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, ठीक है, हम इसका साइन चेंज करने वाले हैं और रैशनलाइज करने वाले हैं। न्यूमेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + √8 और 3 + √8, ठीक है बच्चों। ये आगे माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, बीच में, और अगला नंबर जैसे दिया हुआ है अगले नंबर को लिखते हैं, 1 √8 - √7, इसको भी रैशनलाइज करेंगे, माइनस का साइन है प्लस में कर देंगे, इसको भी मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर √8 + √7 और यहाँ पर √8 + √7, ठीक है बच्चों। हम इसको आगे करते हैं, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएं आप, यहाँ पर लिखा है 1 √7 - √6, इसका भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन बना के √7 + √6 और √7 + √6, ये देखिए बच्चों, हम इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए उसकी फॉर्म में लिख रहे हैं। आगे जो नंबर लिखा हुआ है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएं आप, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये, और इसको अगर हम देखें तो आगे इसके माइनस का साइन कैसे हम चेंज करते हैं वो देखते हैं, देखेंगे। अभी मैं लिखता हूँ इसको √6 - √5, रैशनलाइजेशन, √6 माइनस का साइन है प्लस में बनाएंगे, √6 + √5, ठीक है बच्चों। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देता हूँ मैं। अब बच्चों, ये आगे जगह कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ये वाला नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 √5 - 2 और इसका भी रैशनलाइजेशन करेंगे, √5 + 2 √5 + 2, ठीक है बच्चों। हमें ये 5 के इक्वल लेके आना है, इसको आगे सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, जब 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 + √8। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, ये देखिए a - b a + b तो किसके इक्वल होता है, a² - b² अब तो तुम्हें फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा, a² - b² ओके। अब ये माइनस का साइन ये दिए, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, मैं लिख देता हूँ। अब ये साइन अभी इसके सामने नहीं आया, बीच में हमने इसको रखा है, इसलिए अभी इसकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो वही फिर तरीका इसमें अपनाएंगे, a - b a + b
ए स्क्वेयर माइनस बी होल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, हम इसको लिख रहे हैं, आगे देखते हैं। प्लस का साइन, इसमें भी फिर वन से मल्टीप्लाई करनी है तो सेम वही नंबर आएगा, रूट सिक्स, और यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी होल स्क्वेयर, ऐसे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आगे फिर हम करते हैं ये वाला नंबर, इसको भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो ये देखो वन से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आएगा, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, और यहाँ पर भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये बच्चों मैं थोड़ा सा इधर साइन लगा देता हूँ, ये मुझे लिया था। अच्छा बच्चों, आगे ये क्वेश्चन रहेगा, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, प्लस का साइन इनके बीच में, ये देखिए इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये जो रह गया, वन से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आने वाला है, रूट फाइव प्लस टू, और डिवाइड में वही ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी होल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखो बच्चों, जैसे लिखा हुआ है ऊपर वाले नंबर में तो कोई सॉल्व अभी हम करेंगे नहीं, नीचे वाला डिनोमेटर अभी हम सॉल्व करेंगे, थ्री प्लस रूट एट। ठीक है बच्चों, ये देखिए थ्री को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे थ्री को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ लिख दीजिए नाइन, वेरी गुड। माइनस अब एट को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, रूट एट है तो कितना आएगा, एट आएगा, वेरी गुड। माइनस सेम नंबर, यू कैन यू रूट एट प्लस रूट सेवन। अब यहाँ पर रूट एट को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रूट एट लिखा टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एट आएगा। माइनस, और इसी प्रकार रूट सेवन को जब टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं सेवन आता है, प्लस का साइन, सेम वही रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। ये देखिए यहाँ पर जो है रूट सेवन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए सेवन, माइनस रूट सिक्स को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए सिक्स आ जाएगा। ठीक है, यह माइनस का साइन, सेम नंबर वही, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिक्स, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव। ये देखिए रूट सिक्स को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए सिक्स, और रूट फाइव को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए फाइव, प्लस यहाँ पर सेम नंबर, रूट फाइव प्लस टू, ये रूट फाइव को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फाइव, माइनस टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं फोर। तो बच्चों ये आ गया, अब आइए देखते हैं इसको करते हैं। अब बच्चों आप ध्यान से देखें, नाइन में से एट माइनस होगा वन, एट में से सेवन माइनस होगा वन, सेवन में से सिक्स माइनस होगा वन, सिक्स में से फाइव माइनस होगा वन, और फाइव में से वन माइनस होगा, फाइव में से फोर माइनस होगा वन। तो हमने देखा कि सबका डिनोमिनेटर माइनस करने के बाद वन आएगा, और वन को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ऊपर वाले नंबर को अब हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ थ्री प्लस रूट एट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को मैं अगर इस पूरे नंबर के सामने लगाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो अगर इसका साइन चेंज होगा तो नेक्स्ट नंबर का भी साइन चेंज होगा, ये माइनस का होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। देखते हैं, माइनस एट रूट एट और माइनस रूट सेवन, ऐसे। प्लस, प्लस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस में हम यू कैन लिखेंगे रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। ठीक है, फिर ये देखो माइनस का साइन बीच में था, हम इसके सामने लेके आएंगे, अगर इसका साइन चेंज होगा तो ये भी साइन चेंज होगा। बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर फर्स्ट नंबर का साइन चेंज होगा तो ये भी साइन चेंज होने वाला है। ठीक है बच्चों, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी, मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए बच्चों,
मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ऐसे। ये देखिए मैंने सबके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। नीचे वन आएगा उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं अगर इसका ब्रैकेट खोलूं तो इसके सामने किस चीज़ का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या प्लस की है ये इसका साइन चेंज होता है तो सेकंड नंबर का भी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसको मैं करता हूँ, देखिए माइनस रूट सिक्स माइनस रूट फाइव प्लस, प्लस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्लस यू का यू रूट फाइव प्लस टू। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, अब देखो बच्चों माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो गए, इधर हम देखें माइनस प्लस माइनस हो गए ये भी, ठीक है बच्चों। इधर देखें माइनस ये प्लस का, ये भी माइनस हो गए, ठीक है बच्चों। और इधर ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गए। हमारे पास क्या बचा, इधर टू बच गया, और अगर हम शुरू में देखें तो शुरू में थ्री बच गया। ये थ्री है हमारे पास, थ्री है और टू है, और थ्री और टू के बीच में जो साइन आता है वो प्लस का है, तो थ्री और टू कितना होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थ्री और टू होता है फाइव। तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि जब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि इसको सॉल्यूशन इसको सोल्व करने के बाद ये फाइव की इक्वल आना चाहिए। हमने जब इसको सोल्व किया है तो ये फाइव के फॉर्म में आ गया है, यानी इसका आंसर फाइव आ गया है। बच्चों मैं एक बार फिर आपको कोशिश करूंगा समझाने के लिए। देखिए बच्चों जैसा कि नंबर में लिखा प्रूव दैट, यहाँ पर मैंने ये नंबर्स लिख दिए, रेशनल नंबर लिख दिए हैं, ठीक है, जिनका डिनोमेटर रूट के अंदर आया हुआ है, और ये जब इसको सोल्व करें तो इक्वल फाइव के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों इन सभी नंबर्स का हम रेशनलाइजेशन करेंगे। अब देखिए बच्चों फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है वन बाई थ्री माइनस रूट एट, क्योंकि यह माइनस का साइन है तो हम इस साइन को चेंज करके प्लस का बनाकर न्यूमेटर से भी डिनोमेटर से भी मल्टीप्लाई कर दें, थ्री प्लस रूट एट और थ्री प्लस रूट एट माइनस ना हम ना लेते, हम लेते ही ना, कई घने दिन हो गए ना है। देखिए आगे यहां पर जो लिखा है वन बाई रूट एट माइनस रूट सेवन मल्टीप्लाई, तो इसका भी रेशनलाइज करेंगे, माइनस का साइन है प्लस का साइन, रूट एट प्लस रूट सेवन डिवाइड रूट एट प्लस रूट सेवन प्लस का साइन है, फिर यहाँ पर वन बाई रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, यहाँ इसका भी इस नंबर का भी रेशनलाइजेशन करना है तो साइन को चेंज करके रूट सेवन प्लस रूट सिक्स बाई रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, और माइनस का साइन यहाँ पर जो नंबर लिखा वन बाई रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, इसका भी रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन माइनस का साइन प्लस में चेंज करना, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव और डिवाइड में रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस का साइन यहाँ पर, और लास्ट नंबर जो था ये वन बाई रूट फाइव माइनस टू, और इसको भी हमने रैशनलाइजेशन किया तो मल्टीप्लाई इस माइनस का साइन प्लस में चेंज करके हमने इसको भी न्यूमेटर से और डिनोमेटर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, वन से इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, वन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, और नीचे वाले को फॉर्मूले में रखना है, अप्लाई करना है फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में, जो मैंने किया हुआ है आप देख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इधर ये वन से मल्टीप्लाई करके फिर वही नंबर आ गया, और इधर भी मैंने फॉर्मूला सभी के नीचे अप्लाई किया हुआ है। ये देखिए इसको वन से मल्टीप्लाई किया तो रूट सेवन प्लस सिक्स, और नीचे वही फॉर्मूला अप्लाई किया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आइए हम इसमें सभी में हम देख रहे हैं कि इनको वन से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है, और नीचे वाले को हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया हुआ है। ये जो इधर नीचे नंबर लिखा था इसको भी हमने वन से मल्टीप्लाई करके लिख दिया इधर फाइव रूट फाइव प्लस टू, और नीचे देखा तो देख रहे हैं ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया यहाँ, क्योंकि यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा हुआ था। आइए बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ की जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऊपर वाले नंबर्स को आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं,
ठीक है बच्चों, मैंने ऊपर वाले नंबर को ब्रैकेट में रख लिया है सभी को, और जब नीचे वाले को हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, रूट 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 8, सॉरी गलती से हो गया, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 9 आएगा और माइनस का साइन, और जब रूट 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सेम मैंने वही किया हुआ है, ऊपर वाले न्यूमेरेटर को सोल्व नहीं किया है, नीचे वाले को सोल्व मैंने पहले किया है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ऊपर वाला भी सोल्व नहीं किया जा सकता, तो नीचे जो डिनोमेटर हमने उसको सोल्व करके लिखा हुआ है सभी में, रूट 6 है, रूट 6 स्क्वायर, रूट 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, माइनस का साइन है, रूट 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। तो सेम मैंने वही इसमें किया हुआ है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, हम डिनोमेटर को अगर माइनस करना शुरू करें तो 9 माइनस 8, देखो बच्चों 9 माइनस 8, 8 माइनस 7, 7 माइनस 6, और इधर 6 माइनस 5, 5 माइनस 4, तो सबको माइनस करने पे क्या आता है, 1 आता है। तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। आइए हम ब्रैकेट को सोल्व करना शुरू करते हैं जो न्यूमेरेटर की फॉर्म में है। यहाँ पर लिखा है 3 प्लस रूट 8। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए थे, अब देखिए बच्चों ये अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा। जब ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट नंबर है वो प्लस का है क्योंकि कोई साइन नहीं है, और ब्रैकेट खोलने के बाद ये नंबर हो जाता है माइनस में, ये माइनस में हो गया। जब फर्स्ट नंबर माइनस में होगा तो सेकंड नंबर का जो साइन है, जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, अगर माइनस प्लस का है तो माइनस में हो जाता है, अगर यह माइनस होता तो प्लस में हो जाता, तो लेकिन प्लस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, प्लस की जो नंबर होते हैं वो सेम नंबर आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर माइनस का साइन है। यहाँ पर फिर ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर रूट 6 जो ये प्लस का है लेकिन ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट नंबर का भी साइन चेंज हो जाता है। तो आगे देखते हैं, फिर वही प्लस का आ गया, प्लस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आइए हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, आगे करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेम रूट है लेकिन एक माइनस का एक प्लस का, माइनस प्लस माइनस होते हैं, ये मैंने इसको यहाँ पर काट दिया है, और ठीक यहाँ पर सेम रूट है और ये एक प्लस का है एक माइनस का, इसको भी मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, और इधर भी फिर मैं देख रहा हूँ कि रूट सेम रूट है लेकिन माइनस प्लस माइनस हो गए हैं, और इधर भी हम देखते हैं ये प्लस है ये माइनस है, ये भी माइनस प्लस माइनस हो गए हैं, यहाँ पर 2 बच गया है और फर्स्ट में हमने देखा था ये 3 बच गया है, और 3 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 5 के इक्वल आता है, जो हमने शुरू में क्वेश्चन में लिख दिया था कि इस नंबर को, इस रैशनल नंबर जितने भी लिखे अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये 5 के इक्वल आना, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यदि यह वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया तो बच्चों इसको लाइक करना ना भूले, और इस क्वेश्चन को सीख कर आप अपने सभी दोस्तों को सिखाएं, इसको शेयर करें, धन्यवाद।